दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी। तो आज देखो पुजारा बाबा की बकरी देखने हम आए हैं आबावास में। ये पुजारा बाबा का नोरा है पुजारा बाबा। तो आपके सामने ये देखिए दस्त, ये देखिए एक दो दिन से लगातार दस्त कर रही है और इन्होंने फ़ोन किया मेरे को, तो मैं तुरंत दौड़ा चला आया हूँ। ये देखिए उधर भी पड़ा है दस्त, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। तो दस्त का इलाज किस तरह से करते हैं देखिए। तीन इंजेक्शन लगेंगे दोस्तों। सामान्यतया अगर दस्त की बीमारी हो, डायरिया हो, डिसेंट्री नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा, लेकिन केवल दस्त है पतले, तो देखिए आपके सामने ये रहे इंजेक्शन, फ्लोनिक्शन, मेगलोमाइन, डाईएमएल, कोट्रीमोक्साजोल, जिसमें सल्फामिथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम आता है, वो आईवी रूट से लगता है 4 ml, वो लगाएंगे। और ये देखिए मैक्टीन यानी आइवरमैक्टीन इंजेक्शन 1.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से लगाएंगे। तो जब डायरिया हो बकरी में तो ये तीन इंजेक्शन लगाते हैं, आइवरमैक्टीन सबक्यूटेनियस रूट से और मैग्लूडाइन जो है वो इंट्रामस्कुलर रूट से और कोट्रीमोक्साजोल आईवी रूट से। तो देखिए तीनों ही रूट भी आ गए, आइवरमैक्टीन सबकट रूट से, मैग्लूडाइन इंट्रामस्कुलर रूट से और सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम जो है वो इंट्रावीनस रूट से। जनरली यही इलाज करते हैं बकरी में और लगाते ही आराम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लगा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने भरे हुए हैं फ्लोनिक्सिन, मैग्लोमाइन इंट्रामस्कुलर रूट से लगा रहे हैं दोस्तों। येलो और ये तो ये आइवरमैक्टिन सबक्यूटेनियस रूट से। ये आईवी रूट से कोट्रीमोक्साजोल छोड़ दे बाबा। मैं पकड़ ली ना बोल दे। तो इस प्रकार से दोस्तों डायरिया का इलाज करते हैं बकरी में। तो फिर इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरे वेट गुरु राधे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।